एपिसोड 481, अधूरा सच। जुल्मी चीख पड़ा। विकी बोला, कहीं सदमे से पागल तो नहीं हो गया ये? तारा बोली, उसको खुशी से पागल होना कहते हैं, सदमे से नहीं। जुल्मी खुशी से नाचता हुआ बोला, अरे वाह, सच में हम बापू बनने वाले हैं, मतलब हमारी सजनी अम्मा बनने वाली है। हमारा मतलब है हमारे अम्मा बापू बूढ़े हो गए। विकी हैरान होने का नाटक करता हुआ बोला, तेरे अम्मा बापू अभी जवान थे क्या? जुल्मी ने कहा, नहीं, हमारा मतलब है वो तो पहले से ही बूढ़े थे, लेकिन अब वो दादा दादी बनने वाले हैं। हमको अभी घर जाना है, हमको अभी के अभी घर जाना है, हमको कुछ नहीं पता, हमको हमारी सजनी के पास जाना है। विकी बोला, चलेंगे चलेंगे, घर भी चलेंगे, लेकिन अभी चल तो सही, पहले ध्रुव और छलावा को बताए। इतना कहकर वो तीनों जल्दी जल्दी ध्रुव और छलावा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे, जिस तरफ उन्हें सिद्ध पुरुष लेकर गए थे। इस खुशी में वो ये भूल ही चुके थे कि सिद्ध पुरुष ने उन तीनों को आने से मना किया है। वो सिर्फ छलावा और ध्रुव को लेकर गए थे। जैसे ये तीनों उस तरफ पहुंचे, हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा छलावा और ध्रुव दोनों जमीन पर आंख बंद किए लेटे हैं, जैसे कि बेहोश हो, और सिद्ध पुरुष उन दोनों के सिर के पास बैठकर दोनों आईब्रो के बीच में उनके माथे पर अपने एक एक अंगूठा लगाकर दबा रहे हैं। उनकी आंखें भी बंद थी और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। ये क्या हो रहा था, उनके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये देखकर वो तीनों घबरा जरूर गए थे। विकी बिना कुछ सोचे समझे आगे भागने लगा, ताकि वो सिद्ध पुरुष को रोके या वो समझ पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन वो उनके नजदीक नहीं जा पाया। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में ही किसी ने उसे पीछे धक्का दे दिया हो। विकी कुछ कदम पीछे जाकर गिर गया था। जुल्मी ने तुरंत उसे संभाला। विकी बोला, ये क्या हो रहा है तारा, मुझे डर लग रहा है, छलावा और ध्रुव अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं यहाँ आकर, और अब ये सब कुछ आखिर इन दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? ये पहले भी इन्होंने अजीब तरीके से उन दोनों के सिर पर हाथ रखा था और दोनों ही बेहोश हो गए थे। तारा बोली, भरोसा रखो विकी, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, या शायद अभी हम समझने लायक ही नहीं है, इसलिए हमें नहीं बताया जा रहा है। शायद ध्रुव और छलावा खुद भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है, बस सब्र रखो। विकी बेचैनी से बोला, नहीं तारा, मुझसे सब्र नहीं रखा जाएगा, मुझे अपने दोस्त की फिक्र हो रही है। जुल्मी ने कहा, सिर्फ तुमको ही फिक्र हो रहा है, हम लोगों को भी तो फिक्र हो रहा है। तारा जी कह रहे हैं ना, जरूर कोई बात है, तो शांति से बैठे रहो और देखो कि हो क्या रहा है। विकी मन महसूस कर शांति से बैठ गया और बड़ी लाचारी से ध्रुव और छलावा की तरफ देख रहा था कि आखिर इन दोनों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। धीरे धीरे वहां पर धुंध जैसे बढ़ने लगी और उस धुंध में इन्हें छलावा और ध्रुव दिखने बंद हो गए। विकी परेशान होता ही जा रहा था। अब तो तारा और जुल्मी को भी फिक्र होने लगी थी, लेकिन तभी उन्हें धुंध से सिद्ध पुरुष निकल कर आते दिखे। तारा ने तुरंत उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें हमारे दोस्तों की बहुत फिक्र हो रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन आप अभी उनके साथ जो कर रहे थे वो क्या था? मेरा मतलब है, क्या ये हमारे यहाँ आने से जुड़ी कोई चीज थी? तारा इतना बोली ही थी कि सिद्ध पुरुष ने हाथ के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। तारा तुरंत खामोश हो गई। सिद्ध पुरुष उन तीनों की तरफ गहरी नजर से देख रहे थे, उनके होठों पर बड़ी शांत मुस्कुराहट थी। विकी ने कहा, हम इतने परेशान हैं और आप कुछ बता नहीं रहे, कृपा करके हमें बताइए। सिद्ध पुरुष गहरी आवाज में बोले, बहुत जल्द तुम लोगों के सामने सब कुछ होने वाला है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त बिल्कुल सकुशल हैं और बहुत जल्द तुम्हारे सामने होंगे। इतने में धुंध से ध्रुव और छलावा भी आते दिखे। विकी भागते हुए गया और ध्रुव के गले लग गया और बोला, तू ठीक तो है, मैं बहुत टेंशन में आ गया था तेरे लिए, और छलावा तू ठीक है ना? ध्रुव ने कहा, हम दोनों ही ठीक हैं। विकी ने धीरे से पूछा, हमने देखा ये तेरे सिर पर कुछ कर रहे थे, तुम लोग बेहोश जैसे पड़े हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव मुस्कुराकर बोला, सब ठीक है, हमें बहुत शांति महसूस हो रही है, थोड़ी देर पहले तक हमारे मन में जो उथल पुथल थी वो सब कुछ शांत हो चुका है, और अब हम पूरी तरीके से अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए तैयार हैं। जुल्मी ने कहा, तुम दोनों तो झोपड़ी बनाने आए थे, ये कौन सा आसन करने लगे थे तुम लोग? ध्रुव ने कहा, झोपड़ी भी बन चुकी है। जुल्मी बोला, इतना जल्दी, तुम लोग क्या अपने साथ मशीन लेकर चले हो, इतना जल्दी कैसे बन सकता है? ध्रुव ने धुंध के पार इशारा किया। धुंध अब तक छट चुकी थी और उसके दूसरी तरफ इन्होंने देखा एक छोटी सी कुटी जैसी झोपड़ी का निर्माण हो चुका था। विकी और जुल्मी दोनों हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। विकी बोला, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है? ध्रुव सिद्ध पुरुष की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। विकी समझ गया और चुप हो गया। ध्रुव ने सिद्ध पुरुष की तरफ देखा और आदर के साथ बोला, हम यहां तक पहुंचने के लिए जितने जतन कर सकते थे हमने किए,
आपको ढूंढने के लिए हमने वो सब किया जो हमसे बन पड़ा। उसके बाद हमें आप यहाँ लेकर आए। आपने जो कुछ भी कहा हमने किया है। अब कृपा करके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए। हम यहाँ हैं और हमें नहीं पता हमारे पीछे क्या हो रहा होगा पाली में। जब तक हम यहाँ से उन सारे सवालों के जवाब लेकर नहीं जाएंगे, हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। अब और विलंब मत कीजिए। शाम होने की कगार पर थी। सिद्ध पुरुष ऊपर आसमान की तरफ देखकर ढलते सूरज के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, वक्त आ गया है कि अब हम तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देंगे और बहुत कुछ ऐसा भी तुम्हें पता चलेगा जिसके बाद शायद तुम्हें भी आश्चर्य होगा और तुम दोनों की जिंदगी की एक नई दिशा बन जाएगी। तुम दोनों का जीवन यही नहीं है और अभी नहीं है। इन सब से तुम दोनों का संबंध भी अभी का नहीं है। जुल्मी ये सुनकर बोला, ये तो हम सब भी जानते हैं। ध्रुव देवदत्त था, वो बंजारन को पकड़ने में ही तो मर गया था। हमारा मतलब है इनका मृत्यु हो गया था। सिद्ध पुरुष बस मुस्कुरा कर रह गए और उन्हें अपने पीछे आने के लिए बोलकर आगे बढ़ गए। वो सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। फिर कुटी में जाकर बैठ गए और बाकी सभी उनके सामने जमीन पर पालथी देकर बैठ गए थे। सिद्ध पुरुष उस झोपड़ी को देखते हुए बोले, ज्ञात भी नहीं कितने वर्ष बीत गए। ये वही स्थान है जहां मेरा निवास हुआ करता था। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, हमारा सांसारिक जीवन होते हुए भी हम सब आध्यात्मिक जीवन में थे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी बहुत ही पवित्र आत्मा और तपस्विनी थी। हम दोनों के जीवन का लक्ष्य था कि हम इस संसार को ईश्वरीय ऊर्जा और ईश्वरीय रोशनी से भर दें। इस संसार में कहीं भी काली ताकतों का कोई वास ना हो। ये पृथ्वी ईश्वर ने हम इंसानों और यहाँ के पशु पक्षियों के लिए बनाई है, ना कि बाहरी काली ताकत के लिए जो यहाँ आकर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। ध्रुव ने कहा, लेकिन इसी पृथ्वी पर बहुत से अन्य योनियां भी रहती हैं। भूत प्रेत पिशाच ये सभी कहीं ना कहीं काली दुनिया से ही ताल्लुक रखते हैं। बल्कि इस तरह की विधाएं तो आदिकाल से चलती आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये सब कुछ भी तो कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं और आपस में हमेशा से संघर्ष करते आ रहे हैं। जैसे कि देवता और असुर, उसी तरीके से मानव और इनका काली ताकतों के बीच में भी तो हमेशा से युद्ध चलता रहा है, जिसमें हम अपने आप को और मजबूत बनाकर इनसे विजय पाने की हर संभव कोशिश करते आए हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि ये पृथ्वी मुक्त हो जाए? हम इन पर विजय पाकर इन्हें अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे ताकि इंसानियत कभी खत्म ना हो। सिद्ध पुरुष बहुत गंभीरता के साथ बोले, तुम जिनकी बात कर रहे हो उनको ईश्वर ने इसी पृथ्वी पर रहने के योग्य बनाकर भेजा है। उनका भी यहाँ पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक लोग हैं, जैसे दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व। इनके अलावा भी अनेकों ऐसे लोग जिनके बारे में सामान्य पुरुष नहीं जानता, और ऐसे ही किसी लोक से ये काली शक्ति, ये काला साम्राज्य अपना विस्तार करने पृथ्वी पर आए हैं। ये भूत प्रेत पिशाच में नहीं आते, ये ऐसी पारलौकिक शक्ति है जो हमारे तुम्हारी तरह ही है अपने लोक में। लेकिन यहाँ आकर वो हमें विकराल दिखते हैं क्योंकि उनके पास साधारण मानव से अलग ताकत है। उनके पास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो मानव कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता। लेकिन वो भूत प्रेतों से भी ज्यादा खतरनाक है, मायावी है। लेकिन तुम तो वो सवाल करो जिसका जवाब पाने तुम यहाँ तक आए हो। बताओ मुझसे क्या सहायता चाहते हो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? ध्रुव ने कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, ना मैं अपने लिए आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं मानवता के लिए आपसे मांगने आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आप जानते हैं, इन सब की शुरुआत आपसे हुई है। आप ही ने मानवता की भलाई के लिए पाली में दिव्य पेड़ को लगाया और फिर एक दुष्ट पर दया करके उसे उस दिव्य वृक्ष के माध्यम से पाप मुक्त होने के लिए कहा। लेकिन दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। अब कृपा करके उसका समाधान बताइए। बंजारन को हम उसके श्राप से कैसे मुक्त कर सकते हैं? क्योंकि आपने बंजारन को जो श्राप दिया था वो अब संभव नहीं है। बंजारन के पास उसका शरीर नहीं है और ना ही, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, वो अपने श्राप से मुक्त होना चाहती है, क्योंकि सिद्ध पुरुष आपका श्राप उसके लिए वरदान बन गया है। अब हमें आप मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें ताकि हम उसके श्राप को तोड़ सके, क्योंकि जब तक आपके हिसाब से वो मुक्त नहीं होगी हम उसका अंत नहीं कर सकते हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि उसके श्राप का कोई दूसरा हल हमें बताइए और हमारी सहायता करें। ध्रुव की बात पर सिद्ध पुरुष खामोश हो गए और कुछ विचार करने लगे। उन्हें इस तरह सोचता देख छलावा बोला, ध्रुव ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है? मेरा मतलब है, एक वही रास्ता था जो इन्होंने उसे बताया था। अब जब दूसरा रास्ता ही नहीं होगा तो ये हमें क्या बताएंगे? मुझे लगता है हमें उसके श्राप के दूसरे हल से ज्यादा इनसे विनती करनी चाहिए कि उसको उसके श्राप से मुक्त कर दे। अगर ये अपना श्राप वापस ले लें तो भी तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
ध्रुव धीरे से बोला, ऐसा कैसे संभव है छलावा? अगर उसके श्राप से सिद्ध पुरुष मुक्त कर सकते, वापस ले सकते, तो पहले ही ना उसे उसके श्राप से मुक्त कर देते, क्योंकि उन्होंने खुद उसको उसके श्राप का तोड़ बताया था। उस पर दया करके तो जाहिर बात है उसे मुक्त भी कर देते। इस बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये संभव नहीं है, छलावा बोला, लेकिन फिर भी एक बार पूछ कर तो देखो। ध्रुव को छलावा की बात सही लगी, एक बार पूछने में कोई नुकसान नहीं है। उसने कहा, अगर उसके श्राप का दूसरा हल देने में कोई समस्या है तो कृपा करके आप उसे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर वो मुक्त हो जाएगी तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। सिद्ध पुरुष बोले, असंभव, एक बार जो श्राप दे दिया जाता है उसे कभी वापस नहीं लिया जाता। श्राप का खत्म होने का बस एक ही मार्ग है कि वो मुक्त हो, और जैसा कि तुम लोगों को लगता है कि वो अपने श्राप को अपना वरदान समझने लगी है, वो खुद अपने श्राप से मुक्त नहीं होना चाहती, तो ये उसके साथ साथ तुम लोगों की भी भूल है, क्योंकि श्राप कभी भी वरदान नहीं होता है, ये हमेशा स्मरण रखना। श्राप हमेशा ही विनाशकारी ही होता है, किसी की भलाई के लिए नहीं हो सकता। अगर उसे लगता है कि मेरे श्राप से वो अपना भला कर लेगी तो ये उसकी भूल है। सिद्ध पुरुष की बात से ध्रुव की आंखों में मायूसी साफ दिखने लगी थी। ध्रुव ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर उसका कोई दूसरा तोड़ बताइए। सिद्ध पुरुष बोले, उसके श्राप का दूसरा तोड़ है, लेकिन वो उसी से होकर गुजरता है जिसके प्रति उसने अपराध किया है। ध्रुव बोला, उसने आपके प्रति अपराध किया था तो इसका मतलब? सिद्ध पुरुष बीच में ही रोक कर इनकार करते हुए बोले, नहीं, उसने मेरे प्रति अपराध नहीं किया था, उसने उन मासूम बालकों के प्रति अपराध किया था, उसने मेरे पुत्र के प्रति अपराध किया था। इसीलिए बंजारन के श्राप को खत्म करना या फिर श्राप से उसे आजाद करना, या तुम्हारी भाषा में कहूं तो उसके श्राप का दूसरा तोड़ मेरे पुत्र के पास ही है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनकर ध्रुव ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? आपके पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी है। पूरन जी के मुताबिक बाहर जो वो वृक्ष है वो उसी जगह पर उत्पन्न हुआ है जहां पर बंजारन ने आपके पुत्र के शव को जलाकर राख कर दिया था। सिद्ध पुरुष बोले, ये सच है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि वो पृथ्वी पर ही है। बंजारन ने उसकी रूह बलि ली थी, उसके रूह को चुरा कर अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मेरे पुत्र की आत्मा इतनी शक्तिशाली और इतनी पवित्र थी कि बंजारन के काबू से बाहर हो गई। ध्रुव ने कहा, इसका मतलब आपका पुत्र फिर से जीवित हो गया, लेकिन ये कैसे? उसका शरीर तो जल चुका था तो फिर? सिद्ध पुरुष ने कहा, मेरे पुत्र के रूप में वो समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ने अलग अलग रूप धारण किए। इतने वर्षों बाद में उसने कई जन्म लिए होंगे, कई बार मृत्यु भी प्राप्त की, और फिर से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर वो आया है, और हर जन्म में उसके जीवन का लक्ष्य काले साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने का रहा है। अभी भी मेरा पुत्र वही कार्य कर रहा है। तुम लोगों को उसके श्राप का कोई दूसरा तोड़ ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनका अंत उनके बेहद करीब है, मेरे पुत्रों के रूप में। सिद्ध पुरुष की बाकी बातें तो उन सबके समझ में आ गई थी, लेकिन आखिर में जो उन्होंने कहा पुत्रों के रूप में, इनमें से किसी के समझ नहीं आई। छलावा ने कहा, पुत्रों के रूप में? लेकिन हमें जितना पता है उसके मुताबिक आपका एक बेटा था जिसकी मृत्यु बंजारन के माध्यम से हुई थी। सिद्ध पुरुष के होठों पर बहुत ही गहरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उनकी मुस्कुराहट में कितने राज छुपे हों। उन्होंने कहा, संसार की नजर में मेरा एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु बंजारन के हाथों हुई थी, जिसके बाद मैंने बंजारन को श्राप दिया था, लेकिन ये अधूरा सच है।